सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको जो बाइक दिखाने वाला हूँ, तो भाई 649 सीसी का एक धमाल इंजन आ चुका है एडवेंचर टूरर में। तो अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है एडवेंट टूरिंग की, और जो इसका जो नाम रहने वाला है वो एक्सकेप 650X इसका नाम रहने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी बैजिंग में आपको, इसमें आपको मिल जाती है एडवेंट टूरिंग की बैजिंग, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये मोरिन का बैजिंग, साथ में आप देख सकते हैं ये मोटो का बैजिंग। तो ये कुछ ओवरऑल यहाँ पर रहने वाला है। इसके एक बार ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसका ये लोगो होगा और साथ ही साथ यहाँ पर इसका ये लोगो होगा। अब बात करते हैं भाई इसकी पूरी डिटेलिंग की। तो अब जो मेन चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये है इंडियन इनलाइन ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन रहने वाला है। 649 सीसी का इंजन रहेगा जिसकी पावर रहेगी 60 हॉर्स पावर की 8250 आरपीएम पे, साथ ही साथ 54 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है 7000 आरपीएम पे। 6 स्पीड ट्रांसमिशन रहने वाला है, और इसमें जो आपको ऑप्शन मिलने वाला है वो भाई चेन का ही ऑप्शन मिलेगा। और बात कर लेते हैं, इसमें अलॉय नहीं रहेंगे आपके, रहेगा स्पोक व्हील एडिशन में। और रियर सस्पेंशन की बात करते हैं तो आपको मिलेगा सिंगल शॉक ऑब्जर्वर एडजस्टेबल इन प्री रोड एंड रीबाउंड डैम्पिंग। और साथ में जो फ्रंट ब्रेक आपको मिलेगी वो है डबल फ्लोटिंग डिस्क, और जो रियर ब्रेक मिलेगी वो रहेगी आपके सिंगल डिस्क में। बात यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इसकी फ्यूल टैंक की, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो लगभग आपको मिलता है 18 लीटर का फ्यूल टैंक। और सीट हाइट जो है ना भाई, देखने में आपको बड़ी लग रही होगी, बट जो इसकी सीट हाइट है ना वो 835 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट इसमें मिल जाती है। और अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस इसमें आपका रहने वाला है 1480 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये लाइव आप देख पा रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इस तरीके से है, बट ये इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। खास बात यह है इसकी, आप एक बार ओवरऑल लुक देख सकते हैं किस तरीके से इसकी ओवरऑल लुक आ रही है बाइक की। और टायर की प्रोफाइल की बात कर लूँ पीछे, तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया स्पोक व्हील्स मिलते हैं, बट यहाँ पर आप अगर प्रोफाइल देख पा रहे हैं टायर की, तो कम्प्लीटली रोड एंड ऑफ रोड वाला टायर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी अगर टायर की हम बात करते हैं कि कितने डायमेंशन हैं, तो फ्रंट वाले टायर की जो डायमेंशन है वो यहाँ मिलती है 110x80, 19 इंच का आगे आपको मिल जाता है स्पोक व्हील। और पीछे की बात करते हैं 150x70, और इसमें आपको जो स्पोक व्हील मिलता है वो मिलता है 17 इंच का। और कुछ इस तरीके से इसका आप देख सकते हैं, ये है इसका साइलेंसर, और इसको भी आप देख सकते हैं कुछ अपराइट पोजिशन में बनाया है, ताकि अगर आप कोई वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं तो इस साइलेंसर में आपका पानी ना जाए और आपकी जो गाड़ी है वो काफ़ी ईजिली इधर से निकल जाए। तो ये है इसकी कुछ ओवरऑल लुक आप देख पा रहे हैं। और बात कर लेते हैं इसकी, और तो इसमें आपको मिल जाता है 18 लीटर का फ्यूल टैंक जैसे मैंने बताया। तो दिस इज़ इट, एक बार इसकी मैं फ्रंट से आपको लुक दिखा देता हूँ, तो भाई कुछ इस तरीके से फ्रंट की लुक रहती है। तो आप अपने आप बता सकते हैं कौन सी बाइक से आप इसको रिलेट करेंगे, और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगी भाई कीवे के शोरूम पर, तो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेलिंग ले सकते हैं। और आगे ये देख सकते हैं इसको, यस। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ पर आकर कीवे के शोरूम पर आकर विज़िट कर सकते हैं, आप इसकी डिटेलिंग लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको ये जो फीचर है कि यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है, साथ ही साथ की का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और इसकी स्क्रीन कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर रहने वाली है। और अगर बात करूँ लेफ्ट साइड पर, तो कुछ बटन्स का फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर भी कुछ बटन्स, और यहाँ पर भी आपको बाइक की बैजिंग मिल जाएगी। तो और सामने भी आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला जो है, ये आप देख सकते हैं इसको आप ओपन कर सकते हैं, ताकि आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकें और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके जो आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स आपको यहाँ अपराइट में ही दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, और LED में ही आपको इंडिकेटर्स है। और कुछ इस तरीके से इसकी ये सीट रहेगी, तो जो पीछे बंदा बैठेगा ना उसके लिए काफ़ी बड़ी सीट यहाँ पर दी गई है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं, तो इस बाइक पे लॉन्ग राइड करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको बाइक कैसी लगी। मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच।